नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? भीषण गर्मी से बचने के लिए आज मैं कुछ उपाय आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं खुद अपनाती हूं। तो सबसे पहले हम अपने सभी पौधों को नंबर वन पर ये है करती हूं कि सभी पौधों को मैं डेली नहलाती हूं और वाटर स्प्रे करती हूँ, और जिससे कि इनकी जो गर्मी रहती है वो निकल जाए और पौधे पत्ते भी साफ़ हो जाएँ। और ये काम मैं शाम को करती हूँ, बिल्कुल जब सूरज की गर्मी भी शांत हो जाती है और पौधे और गमले और उनकी मिट्टी जो गर्म रहती है वो भी ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ही गर्म पौधों जब रहेंगे, मिट्टी उनकी गर्म रहेगी तो उस टाइम हम पौधों में पानी डालेंगे तो वो पौधों को नुकसान करेगा। नंबर दो पे मैं ये उपाय करती हूँ कि मैं सभी पौधों के मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग कर दें। जैसे सूखी पत्तियाँ होती हैं, मैं सारे इकट्ठे करते जाती हूँ। हमारे गार्डन में बहुत सारी सूखी पत्तियाँ होती हैं या फिर कहीं से आप ले कर भी आ सकते हैं। तो गमले को तो पहले तो सारे जो घास फूस होती हैं उसको हटा दें, साफ़ कर दें। उसके बाद इस तरह से देखें, सूखी पत्तियों को हल्का सा हाथ से क्रश कर लें और उसके बाद इन्हीं को उनके ऊपर गमलों की मिट्टी के ऊपर रख दें। देखें, इस तरह से मैंने बोरियों में सारी पत्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं आसपास मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आपके खुद के गार्डन में ही इतनी सारी पत्तियां निकलेंगी सूखी। अगर गीली हैं तो हरी हैं तो उनको सुखा लें, बहुत आसानी से इसमें सूख जाएंगी। और ये देखें, इस तरह से गमलों को तैयार करते समय भी उसमें भी मैं ये सूखी पत्तियों को डाल देती हूँ ऐसे। तो इस तरह से ये धीमे धीमे कंपोस्ट बन जाती हैं और ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इसको लीफ कंपोस्ट बोलते हैं। अगर ये कंपोस्ट हो जाती है, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इस तरह से सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप अपने गमलों की मिट्टी तैयार करते समय भी कर सकते हैं, और गर्मी से बचाने के लिए भी अगर इससे हम मल्चिंग कर देंगे और इस तरह से अगर हम गमले की मिट्टी को ढकते हैं तो इसको मल्चिंग करना कहलाता है। तो इससे ये होगा कि सीधे सूरज की धूप इस पर पड़ेगी नहीं और जल्दी से इसकी मिट्टी सूखेगी नहीं और पौधे की जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इन्हें बहुत वैसे तो पानी देना ही रहेगा, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं सूखेंगे। तो इस ये उपाय करके भी आप अपने पौधे को गर्मी से बचा सकते हैं और सूरज की सीधी धूप इन पर नहीं पड़ेगी। तो ये भी मैं करती हूँ और इससे पौधे की मिट्टी सुरक्षित रहती है। उसके बाद मैं करती हूँ नंबर तीन, कि जो मैंने प्लांट्स मोसिस्टिक पे लगाए हुए हैं या छोटे प्लांट हैं उनको मैं वाटर स्प्रे बॉटल में पानी भर करके उनकी पत्तियों को हमेशा गीला करती रहती हूँ। और ये काम मैं सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम में करती हूँ। तो ये देखें, जैसे ये स्पाइडर प्लांट है तो इसके बेबीज़ हैं, हमेशा ड्राई हो जाते हैं, ये जल भी जाते हैं अगर सीधी धूप पड़ी तो। इसको हमेशा इस तरह से मैं स्प्रे बॉटल से छिड़काव करती रहती हूँ। और मोसिस्टिक को, क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मोसिस्टिक में लगी हुई होती हैं, उसी के सहारे हमारे प्लांट्स बढ़ते हैं। जो भी मोसिस्टिक में लगे हुए प्लांट्स होते हैं तो उस मोसिस्टिक को सिर्फ लगे हुए गमले में से पानी ना दें, उस मोसिस्टिक को भी पूरी तरह से, ये देखें मैंने खुद से घर पे बनाया है, ये बोरी से लपेट दिया है और उसी में मैंने मधुमालती का प्लांट लगाया हुआ है, रंगून क्रीपर जिसे बोलते हैं। तो मैं सिर्फ पौधे के गमले के नीचे ही पानी नहीं देती हूँ, सारे जब भी मैं इस पर पानी डालती हूँ तो पूरी मोसिस्टिक को गीला कर देती हूँ जिससे उनमें नमी बनी रहे और जड़ें उनसे पानी लेते रहें। तो इस तरीके से भी आप अपने जो मोसिस्टिक वाले पौधे हैं उनको गर्मी से बचा सकते हैं, जिससे कि पौधों को इनमें से मोसिस्टिक के सहारे नमी मिलती रहेगी और इस तेज़ गर्मी धूप को वो बर्दाश्त कर लेंगे। इस समय अगर आप ये सब उपाय नहीं करेंगे तो आपके पौधे जल सकते हैं। ये देखें, इस पर सीधे धूप पड़ता है, लेकिन इस तरह से मैं इन पर हमेशा ये वाटर स्प्रे करती रहती हूँ। तो ये देखें, छोटे छोटे जो स्पाइडर प्लांट के बेबीज़ हैं वो हमेशा हरे भरे बने हुए हैं और यहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है इस प्लांट पे। उसके बाद ये देखें, एक छोटा सा पौधा जो है कि वो जल गया है। तो ऐसे पौधों को आप जो है शेड में रखें, नहीं छोटे पौधों को, नहीं तो जल सकते हैं। वैसे तो ये नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है, इसको मैंने एक हफ्ते शेड में रखा था लेकिन फिर भी इस पर धूप पड़ी और ये इस तरह से जल गया। और जब भी आप ये पत्तियों का ढके गमले को
मिट्टी को, तो उसको थोड़ा सा पानी से गीला कर दें, जिससे कि पत्तियां तेज़ हवा से उड़ेंगी नहीं, क्योंकि इस समय अप्रैल में बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, अप्रैल से मई इन सब में बहुत तेज़ हवा भी चलेगी, तो आपकी ये मल्चिंग जो है ना वो उड़ सकती है। तो इस तरह से इसको हमेशा गीला कर दें। उसके बाद चौथे नंबर पर मैं ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं, अगर आपके पास किसी तरह का स्टोन है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन में जो तोड़फोड़ हुई थी वो सब भी मैंने इकट्ठा किया हुआ है, गमले तैयार करते समय उसको ड्रेन झोल पे भी मैं रखती हूँ। इस तरह से मल्चिंग कर दें, ऐसे कंकड़ पत्थर रख दें, तो इस तरह से पानी देने पे मिट्टी भी बाहर नहीं उड़ेगी और जो हमारी गमले की मिट्टी है वो तेज़ धूप से तेज़ गर्मी से उसके पानी भी नहीं सूखेंगे और जड़ों को नुकसान नहीं होगा। ये मेरा गुड़हल का पौधा है, देखें इसमें कटिंग से लगा हुआ है और इसमें इतनी सारी कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं, ये इस तरह से देखें, इस तरह से छोटे बड़े जैसे भी रहेंगे उन सभी कंकड़ पत्थर को। ये वेस्ट ही है लेकिन मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, और आप चाहें तो जैसे दिए के टूटे हुए टुकड़े हो गए, गमले के टुकड़े हो गए, और ऐसे ईंटे के टुकड़े हो गए, कहीं ना कहीं आपको ये सब मिल ही जाएंगे, या स्टोन हो आपके पास, कलरफुल स्टोन हो या मार्बल स्टोन हो, किसी भी तरीके से आप इस तरह से गमले की मिट्टी को अच्छे से ऐसे साफ करके ढक दें। तो ये हमारे पौधे देखें, ये इस पर भी सीधे धूप पड़ती, इन सभी पौधों पर सीधे धूप पड़ती है, लेकिन ये सब अभी भी बने हुए हैं और बहुत ही हरे भरे हैं। तो इसमें हम अगर इतनी मेहनत से हम अपने पौधों को लगाते हैं तो उनकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें अपने गार्डन में तो हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर इस तरह से ध्यान देंगे तो पौधे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और आप इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करके जो पौधे ले आते हैं वो कभी मरेंगे नहीं। तो आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से टुकड़ों में मिल जाएंगी और आप इस तरह से अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं इस तेज़ गर्मी में। अभी तो अप्रैल है तब इतनी गर्मी है, अभी तो मई जून की गर्मी बाकी ही है और उसमें इतनी गर्म हवाएं लू चलती हैं, तो हमारे जो पौधों की मिट्टी है वो सूख सकती है। और जब खाद पानी देते समय तो ये कंकड़ पत्थर रखे ही रहें, जब खाद देना हो, वैसे भी खाद इसमें बहुत तो देनी नहीं है कि हम लोग हर हफ्ते दे रहे हैं, तो गर्मियों में बहुत कम खाद देनी चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। और शुरुआत में ही दे दें, फरवरी मार्च में अच्छी खाद दे दें, उसके बाद इन पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें, वो भी ठंडी बहुत गर्म लिक्विड फर्टिलाइज़र है, केमिकल युक्त तो बिल्कुल भी इस समय ना दें, क्योंकि पौधे आप कोई भी उपाय करेंगे इन गर्म खाद से या गर्म फर्टिलाइज़र से ख़राब हो सकती हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र वैसे भी बहुत गर्म होता है। तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं, और इस तरह से देखें ये हमारे जब पानी देंगे ना तो इस तरह से मिट्टी भी नहीं इसमें से निकलेगी, तो आप ये उपाय करके आप देखें कितना सुंदर है, ये देखें करी पत्ते का भी है। तो ज़्यादातर प्लांट्स में भी मैं इसी तरह से स्टोन कंस्ट्रक्शन पत्थर ईंट टुकड़े जितने भी होते हैं सब मैं डाल देती हूँ। ये सब देखें सब मेरे कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं, देखिए कितने खूबसूरत, ये देखें ये रात रानी है, इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है और ये रात में ही खिलती है। तो इतनी तेज़ गर्मी भी मेरे पौधे इसलिए हरे भरे हैं कि मैं इनका बहुत ही ख्याल रखती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी ख्याल रखते ही हैं। और समय की कमी के रहते कभी कभी हम लोग थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, लेकिन अगर आप ये सब उपाय अपनाएंगे तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे, और ये कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है। उसके बाद नंबर पाँच पे ये आता है कि छोटे छोटे जो मैं कटिंग लगाती हूँ या छोटे छोटे जो कैरी बैग में या छोटे पॉट में जो पौधे होते हैं उनको ऐसे सीधे धूप में ना रखें, उनको किसी भी बड़े प्लांट के मिट्टी के नीचे रखें, तो इससे ये होगा वो पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और जो वो गमला रहेगा उसकी मिट्टी भी इन छोटे छोटे पौधों को रखने की वजह से उनमें सीधे धूप नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरह से समझिए एक पंथ दो काज हो गया, हमारा छोटे पौधे भी सुरक्षित हो गए बड़े पौधों की छाया में, और ये जो हमारी गमले की मिट्टी है बड़े पौधों की वो भी इन छोटे छोटे पौधों के रखने की वजह से उनमें सीधे धूप नहीं जाएगी, और हमारा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा कि अलग से छोटे पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा, जब हम बड़े पौधों को पानी देंगे उसी में छोटे पौधों को हो जाएगा। ये देखें वांड्रिक जीव की कटिंग मैंने लगा रखी है, ये बेला के पौधे में, तो इतने खूबसूरत फूल होते हैं, इतनी खुशबू इतनी अच्छी थी इस बेला की, मोगरा की, देख रहे हैं। और इसमें मैंने जो नर्सरी बैग में
जितनी भी कटिंग है, चाहे ये अभी सर्दियों का हमारा जो गुलदावरी का पौधा था, उन सब की कटिंग मैंने छोटे छोटे इस तरह से नर्सरी बैग में जो हमारे आते हैं पॉली बैग, उसी में मैंने कटिंग लगा दी है और इसको इन्हीं गमलों के, बड़े गमलों के मिट्टी के ऊपर रख दिया है। तो ये सब इनकी छाया में सुरक्षित रहते हैं और जलते नहीं हैं। तो आप ये सब उपाय कर कर के आप अपने गार्डन में अपने पौधों को अच्छे से बचा सकते हैं। और क्योंकि मैं ग्रीन नेट नहीं लगाई हूँ, कभी कभी होता है कि हमारे पास ऐसी जगह नहीं होती कि एक साथ पौधे रखें कि हम ग्रीन नेट लगा लें, तो आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 6 पे है कि गमले की मिट्टी जब भी तैयार करें तो उसमें कोकोपीट और राइस हस्क यानी कि भूसी की मात्रा ज़्यादा रखें, जिससे कि नमी बनी रहे। और तो फ्रेंड्स, ये सब उपाय करके आप अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं गर्मी में। और अगर आपको ये उपाय पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।